टॉपिक तो आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा। सो गाइस, वीडियो को देरी ना करते हुए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सो गाइस, मायसेल्फ आकाश गायकवाड़ एंड लेट्स स्टार्ट द वीडियो। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि हम इसकी अनबॉक्सिंग भी करने वाले हैं, लेकिन वो अनबॉक्सिंग सिर्फ इसलिए करेंगे ताकि इसमें हमें मिलता क्या क्या है वो समझ में आए। हालांकि मैंने इसे करीब करीब एक साल पहले ही खरीदा था, तो ये वाला वीडियो ज्यादातर रिव्यू पर बेस्ड है कि ये प्रोडक्ट हमें लेना चाहिए या फिर नहीं, या फिर इसकी क्वालिटी कैसी है, क्या परफॉर्मेंस है, क्या कुछ मुझे महसूस हुआ इस प्रोडक्ट को यूज करके। सो गाइज, दिस इज द MI बियर्ड ट्रिमर IPX7। बॉक्स का कुछ इस तरह का लुक है। 40 लेंथ सेटिंग, 90 मिनट कॉर्डलेस यूज, सेल्फ शार्पनिंग ब्लेड एंड वॉशेबल बॉडी, ये इसके की फीचर्स है जो कि हमें सामने नजर आ रहे हैं। साइड में मी बियर्ड ट्रिमर और बैक साइड में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है इस प्रोडक्ट के बारे में। तो चलिए बॉक्स ओपन करके अंदर का कंटेंट हम देख लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पर है ट्रिमर, जो कि एक मैसिव लुकिंग ब्लैक कलर में अवेलेबल है। फिलहाल इसे साइड में रख के हम सब कंटेंट एक बार चेक कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ पर ये एक बड़ा वाला ट्रिमिंग कॉम है। देन यहाँ पर है एक USB पावर कॉर्ड, जिसे आप अपने फोन चार्जिंग एडाप्टर को कनेक्ट कर सकते हैं, या फिर लैपटॉप PC उससे भी कनेक्ट करके आप डायरेक्टली इसे चार्ज कर सकते हो। उसके बाद ये एक क्लीनिंग ब्रश है। देन हमें यहाँ पर एक ट्रैवल पाउच मिलता है, जिसकी क्वालिटी एकदम बढ़िया है। क्वालिटी में यहाँ पर 1% भी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया गया है। उसके बाद है यहाँ पर यूजर मैनुअल, जिसे हम कभी पढ़ते नहीं, लेकिन इसे हमें पढ़ना जरूरी है। यहाँ पर आपको आपके प्रोडक्ट का पूरा डाटा मिल जाएगा। पीछे यहाँ पर कुछ बियर्ड स्टाइल्स दिखाए गए हैं। तो कुछ इस तरह से हमने इसकी अनबॉक्सिंग तो कंप्लीट कर ली है। तो चलिए अब भी हम बढ़ते हैं इसके प्लस पॉइंट्स की तरफ। सबसे पहली बात, दिखने में एकदम मैसिव है, काफ़ी हैंडी है, लाइट वेट है और इसकी मैट फिनिश होने की वजह से अच्छी खासी ग्रिप भी मिल जाती है। फिनिश आपको एक बार दिखा दूँ, ये कोई ग्लॉसी फिनिश नहीं है, ये एक मैट फिनिश है। और मैट फिनिश में ब्लैक कलर कैसा दिखता है वो तो आपको पता ही होगा। MI का लोगो यहाँ पर प्रिंटेड है, जो इसे काफ़ी क्लासी लुक देता है। पावर बटन काफ़ी स्मूथ और साइलेंट है। नीचे यहाँ पर अच्छा खासा बेस अवेलेबल है, जिससे हम इसे वर्टिकली प्लेस कर सकते हैं। चार्जिंग का सॉकेट भी हमें यहीं पर अवेलेबल है, विद द स्पेसिफिकेशन 5V 2A। और यहाँ पर हमें 3 इंडिकेटर लाइट्स अवेलेबल है, जो कि बैटरी की मात्रा दर्शाते हैं। और ये एक नॉब है, जिससे हम ट्रिमर पर लगे कॉम की हाइट एडजस्ट कर सकते हैं। और अगर हमें कॉम निकालना है तो हम इस नॉब को 10 पर रखेंगे और कॉम निकाल लेंगे। उसके बाद हम इसे डायरेक्टली ऐसे भी यूज़ कर सकते हैं। स्टेनलेस स्टील के सेल्फ शार्पनिंग ब्लेड्स हमें यहाँ पर मिलते हैं। तो अभी मैं इसका एक बार आवाज़ दिखा देता हूँ। तो कुछ इस तरह का आवाज़ है ऑन होने पर, और साउंड डिसेंट है, ज़्यादा नॉइजी भी नहीं है और ज़्यादा साइलेंट भी नहीं है। और यहाँ पर आप इंडिकेटर्स देख सकते हो, ऑन होने पर एकदम प्रोफेशनल लगते हैं। यहाँ पर लिखा है ओपन, हम इसे इस तरह ओपन कर सकते हैं अंदर से अच्छी तरह साफ करने के लिए, और जस्ट ऐसे हम इसे फिर से असेंबल कर सकते हैं। और ये एक बड़ा वाला कॉम है, जिससे कि ट्रिमिंग के लिए लेंथ अच्छी खासी हमें मिल जाती है। और कुछ नहीं है बताने जैसा। पावर कॉर्ड की लेंथ अच्छी खासी है। सॉकेट कुछ इस तरह का है, आप इसे ऐसे प्लग कर सकते हो। और एक इसके फीचर को मैं वीडियो में ऐड कर देता हूँ। इसमें हमें एक ट्रैवल फीचर मिलता है, जिससे कि हम इसे लॉक करके रख सकते हैं। पावर बटन को हमें सिर्फ 3 सेकंड तक प्रेस करके रखना है, उसके बाद ये लॉक हो जाएगा। सिंगल प्रेस पे ये नहीं शुरू होगा। और इसे अनलॉक करने के लिए हमें फिर से 3 से 4 सेकंड तक पावर बटन को प्रेस करके रखना है। ऑटोमेटिकली ये ऑन पोजीशन पर आ जाएगा।
और अभी बढ़ते हैं कुछ इसके नेगेटिव पॉइंट्स पर जो मुझे प्रॉब्लमेटिक लगे आफ्टर यूजिंग इट फॉर 1 ईयर। तो इसका सबसे मेजर प्रॉब्लम मेरे हिसाब से तो हीटिंग है। इसकी जो स्टील प्लेट है ना वो काफ़ी हद तक हीट हो जाती है। अगर हम इसे सिर्फ 5 मिनट तक भी यूज़ किए ना तो हम काफ़ी हीट फील कर सकते हैं। शेव करने में थोड़ी दिक्कत हो जाती है, मतलब डायरेक्टली हम इसे अपने चीक्स पर भी नहीं लगा सकते, इतनी हद तक ये हीट हो जाता है। लेकिन अगर देखा जाए तो ये भी ज़्यादा कोई प्रॉब्लमेटिक नहीं है, क्योंकि अगर देखा जाए तो ट्रिमिंग के लिए 5 मिनट से भी कम वक्त लगता है। और इसका और एक प्रॉब्लम जो मुझे फील हुआ कि कभी कभी ये शेविंग करते टाइम बीच में ही बंद हो जाता है, गलती से इसका बटन प्रेस हो जाता है मेरे हाथ से। क्योंकि ये बहुत सॉफ्ट है तो ट्रिमिंग करते वक्त हम इसे कैसे भी पकड़े तो भी इसका बटन प्रेस हो जाता है। सो गाइस, अभी तक तो मैंने सिर्फ ये 2 ही प्रॉब्लम फेस किए हैं, इसके अपार्ट मुझे इसमें कोई भी इशू आज तक देखने को नहीं मिला। और गाइस, अगर हम इसके बैटरी बैकअप की बात करें तो रियली आज तक मैंने पूरे 1 साल में इसे सिर्फ 2 बार चार्ज किया है। हालांकि मेरा यूज़ वीक में 1 ही बार होता है और अभी भी ये 70-80% चार्ज्ड है। तो बैटरी के मुकाबले, डिज़ाइन के मुकाबले ये काफ़ी बेहतर है। और अगर देखा जाए हीटिंग का इशू जो कि मैंने अभी डिस्कस किया आपके साथ, उसे छोड़कर बाकी सारी इसकी बातें इम्प्रेसिव है। हालांकि प्राइस भी इम्प्रेसिव है, 1199 में हमें मिल जाता है, हालांकि इसकी MRP 1499 है। और गाइज, एक बात बतानी रह गई, द होल बॉडी इज हाइड्रो रेजिस्टेंट एंड फुल्ली वॉशेबल। आप इसे डायरेक्टली पानी से पूरा धो सकते हो और एल्स पानी में डुबो कर रख सकते हो 30 मिनट तक। सो गाइज, ये था मेरा एक्सपीरियंस जो कि मैंने आपके साथ शेयर किया। ट्रिमर की क्वालिटी एकदम बढ़िया है और प्राइस भी कुछ हद तक कॉम्पिटिटिव है। लेकिन अगर आप कुछ बेसिक सी ट्रिमिंग चाहते हो तो आप 200 या 400 रुपये तक के ट्रिमर्स यूज़ कर सकते हो जो मार्केट में अवेलेबल है। और अगर आप चाहते हो कुछ ब्रांडेड प्रोफेशनल, देन ऑफ कोर्स यू कैन गो विद द MI बियर्ड ट्रिमर। मैं पिछले 1 साल से यूज कर रहा हूँ एंड आई एम सेटिस्फाइड। सो गाइज, आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई तो लाइक करना, नहीं आई तो डिसलाइक करना, और दोनों भी केस में सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।